प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सोनभद्र जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन द्वारा सोन बाजार की स्थापना कर ग्रामीण अंचलों के उत्पाद को न सिर्फ शहरों तक पहुंचाने की शुरुआत की गई है, बल्कि उत्पादों को घर घर तक पहुंचाने के लिए ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसे लोग घर बैठे ही स्थानीय उत्पादों को प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त आजीविका सिलाई केंद्र के माध्यम से करीब 100 से ज्यादा महिलाओं को इससे जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्कूलों के ड्रेस और पुलिस लाइन के सारे काम इन केंद्रों के माध्यम से कराए जाने के लिए विभागों को निर्देशित भी किया है। जो गांव में प्रोडक्ट सब बनाया जाता है उसे गांव में बिक्री नहीं हो पाती है, इसलिए उसे बेचने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। सर, लाभ यह है कि हमारे गांव में बिक्री नहीं हो रही थी, यहाँ आने पे हमें बिक्री हो रही है। नारालेम के अंतर्गत जो समूह की महिलाएं हैं उनको उनके लिए रोजगार सृजन जो है किया जा रहा है। इसमें वर्तमान समय में लगभग 50 सिलाई मशीनों का एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसमें जो प्रसिद्ध विद्यालयों में जो स्कूल यूनिफॉर्म दी जाती है उसकी सिलाई का कार्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य मार्केट में इनके लिए 4 दुकानें जो है हमने उपलब्ध कराई हैं, जहां स्वयं सहायता समूह अपने जो है प्रोडक्ट्स को जो है बेच पाए। इसके साथ ही हमने एक सोन बाजार ऐप लॉन्च किया है, इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है बेच सकते हैं।